हेलो फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर्स है दैट इज़ द डे थर्टी टू एंड द टॉपिक नेम इज़ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन सिंपल इंटरेस्ट राइट इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको ध्यान हो तो डे थर्टी भी सेम टॉपिक्स था सेम डे थर्टी एंड थर्टी टू वो दोनों चैप्टर्स ऑलमोस्ट सेम है राइट right? डे थर्टी जो हमने सीखा था इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन टेली प्राइम टेली प्राइम में इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोगों ने डे थर्टी में सीखा था और डेट थर्टी टू में इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन अगर आप 30 एंड 32 देखेंगे दोनों में बस कंपनी नेम वगैरह चेंज है अदरवाइज एग्जाम्पल्स वगैरह ऑलमोस्ट सेम है राइट right? इस वजह से ये लेक्चर्स जो हम लोग करने वाले हैं वो पीडीएफ के हेल्प से करेंगे ठीक है और जो डे 33 है आपका डेट uh, थर्टी 33 की अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन पेबल एंड लोन विद एडवांस पैरामीटर्स इसमें हम लोग कुछ नई चीज एडवांस पैरामीटर्स के थ्रू इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सीखेंगे राइट तो चलिए डे थर्टी टू की क्लासेस हम लोग पीडीएफ के हेल्प से करते हैं जिससे आपका इंटरेस्ट का चैप्टर फिर से रिकैप हो जाएगा तो आते हैं हम लोग डे थर्टी टू में राइट अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो सेम एग्जाम्पल्स है जो डे थर्टी डे थर्टी में था सिवम कैमिकल्स गिव्स इट्स इंप्लॉय लल्लू लाल अ लोन ऑफ रुपीज फोर थाउजेंड सीवम कैमिकल क्या करता है अपने इंप्लॉयी को जिसका नाम लल्लू लाल है उसको चार हजार रुपए लोन देता है हिज सैलरी पर मंथ हिज सिक्स थाउजेंड जैसा डे थर्टी में था और उसकी सैलरी कितनी थी छह हजार रुपए टू थाउजेंड डिडक्टेड इन फर्स्ट मंथ एंड रिमेनिंग टू थाउजेंड प्लस इंटरेस्ट विल बी डिडक्टेड इन द सेकेंड मंथ फर्स्ट मंथ में दो हजार रुपए डिडक्ट होगा और सेकेंड मंथ में जो डिडक्ट होने वाला है वो टू थाउजेंड बैलेंस एंड टोटल इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ राइट क्लियर है तो वो हम लोग डिडक्ट करेंगे सेकेंड मंथ की सैलरी से द इंटरेस्ट इज टेन परसेंट एवरी कैलेंडर मंथ टेन परसेंट एवरी कैलेंडर मंथ यस टेन परसेंट एवरी कैलेंडर मंथ जो कि बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट हो जाता है अगर पर ईयर की बात करें तो वन हंड्रेड ट्वेंटी परसेंट जो कि एक बड़ा अमाउंट है तो टेन परसेंट पर एवरी कैलेंडर मंथ के रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एज अ सिंपल इंटरेस्ट जैसा आपको हमने बताया था कि दो टाइप्स के इंटरेस्ट होते हैं एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट

एंड सेट हो जाएगा फिर सेलेक्ट क्रिएट कंपनी आपको क्या करना है एक कंपनी क्रिएट करना है जस्ट लाइक दिस जैसे अगर मैं टाइली प्राइम की बात करूं अगर ये स्क्रीन ओपन है यहां आपको क्या करना है कंट्रोल एफ थ्री करेंगे तो जो जीएसटी क्लास राइट जीएसटी क्लास के नाम से जो कंपनी दिख रही है वो कंट्रोल एफ थ्री करने से क्या हो जाएगी शट हो जाएगी राइट right? उसके बाद हम लोग क्या कर लेना है क्रिएट कंपनी कर लेना है राइट क्रिएट ऑलरेडी हम लोग काफी चैप्टर्स में कर लिए हैं तो क्रिएट कंपनी करके हम लोग एक कंपनी क्रिएट करेंगे ओके द नेक्स्ट थिंग इज यहां पे कंपनी का नाम क्या है सिवम केमिकल्स क्या नाम है कंपनी का सीवम केमिकल्स सीवम केमिकल्स के नाम से कंपनी बना रहे हैं जिसकी फाइनेंशियल ईयर क्या है फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी है हम लोग बहुत सारी कंपनी बना ली है तो इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रहेंगी राइट right? एंड उसके बाद अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो इस फीचर्स में क्या करना है आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन राइट इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस आपको क्या करना है इंटरेस्ट कैलकुलेशंस को इनेबल करना है एक्टिवेट करना है बाकी सारे फीचर्स एज इट इज रहेगा राइट उसके बाद हमको लेजर्स क्रिएट करने हैं वी विल क्रिएट द नेसेसरी लेजर्स कौन-कौन से लेजर्स आपको क्रिएट करने की जरूरत है टू क्रिएट द लेजर्स फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली सेलेक्ट द लेजर्स ओके एंड इस चैप्टर्स में जो एक न्यू चीज है वो क्या है हम लोग मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को भी यस yes करेंगे क्या करेंगे मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यही चीजें एक न्यू है इन कंपैरिजन टू डे थर्टी राइट डे मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को क्या करेंगे यस yes करेंगे जो भी लेजर्स क्रिएट करेंगे वो मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय को यस yes करेंगे जिससे क्या होगा किस बिल्स के अगेंस्ट में कितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है या किस बिल्स के अगेंस्ट में आप लोन डिडक्ट हो रहा है ठीक है वो चीजें हम वो कर सकते हैं फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो टू येस मतलब केवल ट्रेडिंग अकाउंट के लिए नहीं जैसे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का होता है तो नॉन ट्रेडिंग अकाउंट के लिए भी हमें इंटरेस्ट का क्या करना है

लल्लू लाल को लोन दे रहे हैं तो लोन एंड एडवांस में हो जाएगा एंड इस पर क्या कर लेना है हमको एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन राइट एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस yes करना है एक्टिवेट इंटरेस्ट को यस yes करना है ओके okay. जैसे ही को yes करेंगे ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहां पे हम लोग को करना है रेट क्या डालना है टेन परसेंट ये सिंपल इंटरेस्ट का पैरामीटर्स है ये जो पैरामीटर जो बस बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है वो क्या है सिंपल इंटरेस्ट का है अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन मतलब ऑप्शन पूछ रहा है ईस्ट्रांजेक्शन जूम देता हूं ओवरराइट पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन क्या ओवरराइट करना है ईस्ट्रांजेक्शन अगर हम इसको येस yes करते हैं तो अगेन क्या होगा इंटरेस्ट का पैरामीटर ये पैरामीटर एंट्री के टाइम भी ओपन होगा तो उसको हम ओवर कर सकते हैं मतलब ये रेट वगैरह को चेंज कर सकते हैं राइट right? अगर आपको लगता है कि कोई पार्टी है जिसका रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है जैसे कभी हम उसे 10 परसेंट लेते हैं कभी 12 परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कभी 15 परसेंट चार्ज करते हैं किसी ट्रांजेक्शन में तो आपको क्या कर लेना चाहिए ओवर पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन को येस yes कर लेना चाहिए उससे क्या होगा जब आप एंट्री करें करने जाएंगे तो उस समय फिर अगेन ये डा, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं आप चेंज कर सकते हैं ठीक है एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको चेंज कर सकते हैं एंड टेन परसेंट पर कैलेंडर मंथ ले लेंगे क्या ले लेंगे टेन परसेंट पर कैलेंडर मंथ जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था ओके okay. फिर हम लोगों ने क्या किया है ये लोन अकाउंट का लेजर्स बना लिया उसमें इंटरेस्ट को एक्टिवेट हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इंटरेस्ट एक्टिवेट करते हैं वो लोन अकाउंट में करते हैं कौन से अकाउंट में करते हैं लोन अकाउंट में इंटरेस्ट को एक्टिवेट करते हैं ठीक है जैसे ही लोन अकाउंट को आप इंटरेस्ट लोन अकाउंट में इंटरेस्ट एक्टिवेट करोगे वो इंटरेस्ट का पैरामीटर इस तरीके से ओपन हो जाएगा इसको आप एज पर रिक्वायरमेंट टेन परसेंट ट्वेल्व परसेंट जैसा क्वेश्चन एंड वो है उसके बेसिस पे जो है एग्रीमेंट के बेसिस पे क्या रेट से हम इंटरेस्ट ले रहे हैं

जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो वाउचर टाइप्स अगर कोई क्रिएट करना है ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे टैली में टोटल 24 वाउचर्स बने रहते हैं कितने वाउचर्स बने रहते हैं माय डियर फ्रेंड 24 वाउचर्स 24 वाउचर्स ऑलरेडी हमारे टैली में बने हुए रहते हैं इनके अलावा कोई वाउचर्स अगर हमें क्रिएट करना है तो हम वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए गेट ऑफ टैली क्रिएट वाउचर टाइप्स पे जाना है एंड क्रिएट करना है एंड uh, क्या नाम रखा है हमने यहाँ पे वाउचर टाइप्स का नाम क्या रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन क्या नाम रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन और किसके अंदर बना रहे हैं इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहे हैं वो डेबिट नोट के अंडर बना रहे हैं क्योंकि हम उसको डेबिट कर रहे हैं पार्टी क्या करेंगे हम इंटरेस्ट अमाउंट से डेबिट करेंगे तो डेबिट नोट के अंडर में हम मनाएंगे ओके और उसके बाद क्या ऑप्शन है यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने क्या किया है यूज एडवांस कन्फिग्रेशन क्या यूज किया है यूज एडवांस कन्फिग्रेशन ये एडवांस कन्फिग्रेशन किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये वाले अगर हम बात करें यूज एडवांस कन्फिग्रेशन की तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं वाउचर नंबरिंग को अपने हिसाब से अगर अब उसके आप ऊपर देखेंगे तो मेन हैडिंग क्या है मैथड ऑफ वाउचर नंबरिंग क्या है मैथड ऑफ़ वाउचर नंबरिंग जिसको हमने ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया है ऑटोमेटिक मैनुअल और राइट मतलब ऑटोमेटिकली वो बढ़ता जाएगा और हम वाउचर नंबर को चेंज भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर हमें यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन करना है मैडियम फ्रेंड्स यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन मतलब वाउचर नंबर को अपने हिसाब से सेट करना है तो उसे हम येस yes करेंगे जैसे हम इसको येस करेंगे ये ऑप्शन आपको पता है ये ऑप्शन ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं ये वाउचर नंबर ओपन हो जाएगा मतलब हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं एक वाउचर नंबर डाल सकते हैं उसमें आप देखोगे स्टार्टिंग नंबर हम वाउचर नंबर कौन सा लेना चाहते हैं वन लेना चाहते हैं तो हमने यहाँ वन सेलेक्ट कर लिया विथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट आपको वाउचर नंबर का विथ कितना चाहिए कितने डिजिट तक का वो वाउचर नंबर जा सकता है तो हमने फाइव सेलेक्ट किया है तो फाइव राइट right? आप फोर सेलेक्ट कर सकते हो थ्री सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप थ्री सेलेक्ट करोगे तो ट्रिपल नाइन तक क्योंकि थ्री डिजिट तो वहां तक आप वाउचर नंबर ले सकते हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के विशेष पे वाउचर नंबर का विथ सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद आता है इसे क्या करना है आपको यस yes करना है प्रीफिल्ड विद जीरो को यस yes करेंगे तो क्या हो जाएगा जैसे पहला जो आपका वाउचर नंबर रहेगा वो वन रहेगा आपने विर्थ ले रखा है कितना तो उसके आगे जीरो 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 फोर जीरो आ जाएगा, हो जाएगा. आप चाहते हो नहीं वाउचर नंबर के आगे जीरो से प्रीफर्ड नहीं हो तो आप यहां नो कर सकते हैं okay. ओके फिर ये आपसे पूछता है नेक्स्ट री स्टार्ट नंबरिंग क्या पूछता है आपसे री स्टार्ट नंबरिंग कब आपको री स्टार्ट करना है वाउचर नंबर को कब से री स्टार्ट करना है राइट तो वाउचर नंबर कब से कैसे करना है ईयरली बेसिस पर करना एंड ईयरली बेसिस हमको पर ईयर जैसे नेक्स्ट ईयर जब फाइनेंशियल ईयर आएगा तो वो वाउचर नंबर वन से फिर से स्टार्ट हो जाएगा फिर उसके बाद आता है आपका प्रीफिक्स डिटेल प्रीफिक्स डिटेल्स डिटेल्स मतलब वाउचर नंबर के पहले हमें क्या प्रीफिक्स डालना है तो हम यहां पे क्या डाले आई आर डे आई आर डे राइट पहला आई आर डे जीरो डिटेल्स मतलब वाउचर नंबर के बाद क्या रखना है तो क्या रखना है अपने फर्स्ट अपल ट्वेंटी से स्लैश मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी वन से स्लैश ट्वेंटी टू तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा वाउचर नंबर इस टाइप का हो जाएगा आई आर That's पहला वाउचर जीरो 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 वन स्लैश ट्वेंटी ट्वेंटी वन इस तरीके से हमारा पहला वाउचर नंबर हो जाएगा दिस इज द प्रीफिक्स एंड दिस इज द वाउचर नंबर एंड दिस इज द सफिक्स डिटेल्स फाइन ओके और वाउचर नंबर जैसे क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स आप देखना लास्ट ऑप्शन आता है नेम ऑफ क्लास का आता है किसका आता है नेम ऑफ क्लास का आता है अगर आप देखोगे तो दिस वन अगर आप इस स्क्रीन को देखिए तो लास्ट में क्या आता है ये वाउचर नंबर यस कर लिया उसके बाद हम कर्सर ले जाएंगे नेम ऑफ क्लास पे ले जाएंगे और नेम ऑफ क्लास में हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम क्या रहेगा सिंपल इंटरेस्ट ओके okay. क्या बनाएंगे हम लोग सिंपल नेम ऑफ क्लास में लिख देंगे सिंपल इंटरेस्ट लिख देंगे ओके फाइन एंड उसके बाद ये ऑप्शन ओपन होगा इन द सब फॉर्म एंटर एस्टोन क्योंकि क्वेश्चन में सिंपल uh, इंटरेस्ट बोला था इसलिए हमने क्लास का नाम सिंपल इंटरेस्ट रखा है एंड यहां एक ऑप्शन पूछेगा यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग क्या ये क्लास आप इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं आंसर इज यस अमाउंट टू बी टीटेड एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं आंसर इज नो हमें कौन सा कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या कर देंगे यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट को नो no कर देंगे फाइन तक क्लियर है बिल्कुल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का एक क्लास बनाया वाउचर का नाम भी हमने बनाया वाउचर का नाम क्या बनाया हमने इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन क्या बनाया वाउचर का नाम इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन और इसके क्लास का नाम क्या बनाया हमने सिंपल इंटरेस्ट क्या नाम बनाया सिंपल इंटरेस्ट क्लियर है ओके okay. फिर बोला एक्सेप्ट द वाउचर टाइप्स आपको वाउचर वाउचर टाइप्स एक्सेप्ट कर लेना है वी विल चेंज द नंबरिंग ऑफ द पेमेंट वाउचर हम लोग क्या करेंगे वाउचर पेमेंट वाउचर का भी वाउचर नंबर चेंज करना चाहते हैं राइट right? आपको किसी भी वाउचर का वाउचर नंबर अगर चेंज करना है तो सिंपल कहां जाना है आपको ऑल्टर में जाना है वाउचर टाइप्स में जाना है और जिस भी वाउचर को आपको चेंज करना है वो सेलेक्ट कर लेना है तो यहां पेमेंट करना है तो हम यहां गेटवे ऑफ टैली, ऑल्टर वाउचर टाइप्स और पेमेंट पे चले जाएंगे फाइन पेमेंट पे जाने के बाद यहां पे जो ऑप्शंस है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग राइट yes 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 right? अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे भी हमने स्टार्टिंग नंबर वन रखा है एंड विथ फिफ्थ ले रखा है प्रीफिल्ड विथ जीरो रखा है, से ये वन से स्टार्ट होगा एंड पेमेंट वाउचर का जो प्रीफिक्स रहेगा वो पी ए डैश रहेगा जैसा इंटरेस्ट का था इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन का आई आर था ठीक है डैश यहाँ पी ए डैश है और सफिक्स में क्या रखना है अपने को फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी से ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी वन से ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू रखना है तो इनका जो वाउचर नंबर पहला दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा पी ए डैस ज़ीरो जीरो ज़ीरो ज़ीरो वन ट्वेंटी ट्वेंटी वन हम पहली एंट्री करेंगे तो इस तरीके से वाउचर नंबर पी एस जीरो जीरो ट्वेंटी ट्वेंटी से आपको दिखने को मिलेगा फाइन। अब ये ट्रांजेक्शन स्कोर करना है पहला ट्रांजेक्शन क्या है रिसीव्ड कमीशन रिसीव्ड कमीशन ऑफ रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड इन कैश ऑन फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी सिंपल है आपको रिसीव वाउचर में एंट्री पास करना है एंट्री क्या हो जाएगी आ, अगर कैश के थ्रू पास कैश के थ्रू अगर हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीट क्या एंट्री हो जाएगी रिसीट वाउचर्स में जाएंगे आप ये सिंपल एंट्री है रिसीट वाउचर्स में आप जाएंगे और एंट्री क्या करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीट अकाउंट ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज की एंट्री आप पास करेंगे ये कौन सा डेट को पास हुआ है फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी को पास हुआ है तो हमने फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी एफ टू करके डेट डाल दिया फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी और ये एंट्री को पास कर दिया फाइन दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है देखिए लोन गिवन टू लोन गिवन टू मिस्टर लल्लू लाल ऑफ इन कैश फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे प्रेस करके और लल्लू लाल को लोन देने की एंट्री किस डेट को लोन दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी को लोन दे रहे हैं एंड कैश uh, के थ्रू दे रहे हैं या आप देख पा रहे हो यहाँ पे वाउचर नंबर जो दिख रहा है दिस वन दिस वन इज पी ए डेड जीरो 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 ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी को हम लोग कर रहे हैं फाइन और एंट्री क्या हो जाएगा कैश कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा लोन अकाउंट लल्लू लाल क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा कितने से फोर थाउजेंड रुपीज से फाइन ओके okay. उसको एक्सेप्ट कर लेंगे फिर थर्ड नंबर फर्स्ट में फर्स्ट में को क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स इंटरेस्ट एंट्री पोस्ट द इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट में टू 2020 को इंटरेस्ट की एंट्री हम लोग पास करेंगे फाइन ऑटोमेटेड वाउचर क्लास का यूज करके तो वाउचर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे हमने किसके अंडर में इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन का किसके अंडर में वाउचर्स बनाया था डेबिट नोट के अंडर बनाया था तो आपको पहले क्या करना है डेबिट नोट ओपन करना है क्या करना है डेबिट नोट डेबिट नोट ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की है गेट ऑफ डेली क्रिएट वाउचर टाइप्स और प्लस एफ और क्या लैक् कर लेना है डेबिट नोट और डेबिट नोट जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको सेलेक्ट करना है वाउचर का नाम इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन मैं इसको डिटेल से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ऑलरेडी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं डे थर्टी में हम लोगों ने किया है राइट डे थर्टी थर्टी वन में इस वजह से मैं ये टेली सॉफ्टवेयर में नहीं कर रहा हूँ एकदम ईजी है आप करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन और क्लास का नाम कैसे लेकर लेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हमें सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट चार्ज करना है और आप देख पाओगे कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आ, हमने सिंपल इंटरेस्ट का एक क्लास बनाया था जिसमें हमने उससे पूछा था कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट तो उसको हमने नो no कर रखा था मुझे क्योंकि हमें क्या चाहिए सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेशन करना है फाइन अब देखिए क्या करेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन की एंट्री करेंगे ठीक है फर्स्ट मे को फर्स्ट मे को सेलेक्ट करेंगे तो चार हजार रुपये का लोन था ठीक है चार हजार का लोन था टेन परसेंट के रेट से इवर, कले, पर कैलेंडर मंथ टेन परसेंट पर कैलेंडर मंथ तो एक महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा फोर हंड्रेड तो डेबिट कर देना है हमको लोन अकाउंट लल्लू लाल लोन अकाउंट लल्लू लाल को डेबिट करना है एंड ये वाउचर नंबर सेलेक्ट कर लेना है ठीक है लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट फोर थाउजेंड का फोर हंड्रेड चूंकि हमने मेंटेन बिल बिल वाइज यस किया था जिसकी वजह से ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो कौन से लोन के अगेंस्ट में जो फोर थाउजेंड का लोन अमाउंट हमने दिया है उसके एवज में फोर हंड्रेड का इंटरेस्ट यहां पर सो रहा है हम सेलेक्ट कर लेंगे और क्रेडिट क्या हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन एंट्री क्या हो जाएगी लोन अकाउंट लल्लू लाल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन कितने से 400 से होगा और ये एंट्री करते समय न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे को भी सेलेक्ट कर लेंगे फाइन फिर क्या बोल रहा है पेड सैलरी पेड सैलरी ऑफ रुपीज सिक्स थाउजेंड बाई डिडक्टिंग टू थाउजेंड जैसा क्वेश्चन में बताया था कि दो हजार रुपए हम लोग पहले मंथ की सैलरी से डिडक्ट करेंगे और दूसरे मंथ में बैलेंस अमाउंट टू थाउजेंड प्लस दोनों महीने का इंटरेस्ट मतलब आपका अप्रैल मंथ का इंटरेस्ट एंड मे मंथ का तो यहाँ पे हम लोग जो सिक्स थाउजेंड सैलरी दे रहे हैं तो एक्चुअल में जो पेमेंट कर रहे हैं कैश के थ्रू तो एंट्री क्या होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट राइट लेकिन यहां पे हम लोग लोन अकाउंट को भी क्या कर रहे हैं जो सिक्स थाउजेंड की सैलरी दे रहे हैं उसमें टू थाउजेंड का लोन अमाउंट डिडक्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे ये आप सिंगल एंट्री मोड में कर सकते हो या डबल एंट्री मोड में भी एंट्री कर सकते हो अगर डबल एंट्री मोड में करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी सैलरी अकाउंट लल्लू लाल सिक्स थाउजेंड टू लोन अकाउंट लल्लू लाल कितना टू थाउजेंड लोन अकाउंट को टू थाउजेंड से क्रेडिट करोगे क्योंकि आपका लोन अमाउंट जो आपने दिया है वो कम हो रहा है टू कैश अकाउंट फोर थाउजेंड रुपीज या अगर आपको ये सिंगल एंट्री मोड से करना है तो कैश यहाँ लिख दीजिए सैलरी अकाउंट लल्लू लाल डेबिट कर दीजिए सिक्स थाउजेंड लोन अकाउंट लल्लू लाल को टू थाउजेंड से माइनस कर दीजिए क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए तो कितना पेमेंट हो रहा है आपका फोर थाउजेंड रुपीज आप क्या कर रहे हो पेमेंट कर रहे हो मतलब सैलरी सिक्स थाउजेंड था 2000 आप कितना पेमेंट कर रहे हैं फोर थाउजेंड ये टू थाउजेंड कौन से बिल्स के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं जो ये पेमेंट हमने फोर थाउजेंड किया था लोन दिया था उसके अगेंस्ट में ये ये क्या हो रहा है पेमेंट हम लोग कर रहे हैं राइट ये जो एडजस्ट कर रहे हैं टू थाउजेंड ये, इसके में। ये जो 2000 लोन आपको इस तरीके से ये vouchers देखने को मिलेगा Fine? आप इसको डबल एंट्री मोड से भी कर सकते हो जैसा मैंने आपको बताया फिर एंट्री नंबर फाइव की अगर कर बात करें तो पोस्ट इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट जून टू थाउजेंड ट्वेंटी के लिए डेबिट uh, नोट में इंटरेस्ट पास करना है डेबिट नोट सेलेक्ट करिए और इंटरेस्ट को डेबिट नोट सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन वाउचर को सेलेक्ट करना है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन जैसा यहां पे दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन और क्लास के कर लेना है सिंपल इंटरेस्ट और डेट डाल दीजिए फर्स्ट जून डेट क्या डाल दीजिए फर्स्ट जून ये हम कौन से महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं सर मे मंथ के जो मे मंथ का इंटरेस्ट हम लोग फर्स्ट जून को चार्ज कर रहे हैं एंट्री कर रहे हैं ओके okay. कितने से हो जाएगा अगर आप देखोगे तो चार हज़ार रुपये हमने अप्रैल में लोन दिया था लल्लू लाल को जिसमें से लल्लू लाल क्या किया दो हज़ार रुपये हमको फ़र्स्ट मे को दे दिया तो बैलेंस हमारा फर्स्ट मे को कितना बचा टू थाउजेंड बचा तो टू थाउजेंड का मे मंथ का इंटरेस्ट टेन परसेंट के रेट से कितना हो जाएगा टू हंड्रेड रुपीज़ तो हम जो एंट्री करेंगे डेबिट करेंगे लल्लू लाल को वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बिल वाइज डिटेल्स जब जाएगा तो यहाँ पर टू का टेन के रेट से टू हम सेलेक्ट कर लेंगे बस यही डिफरेंस है हमारे लिए फ्रेंड्स कि डे थर्टी में बिल वाइज मेंटेनेंस वगैरह वा नहीं था मेंटेन बिल वाइज उतना डिटेल में नहीं था यहाँ थोड़ा सा मेंटेन बिल वाइज के थ्रू हम लोग एंट्री कर रहे हैं और चूँकि हमने मेंटेन बिल वाइज बिल के नीचे जो था फॉर द नॉन ट्रेडिंग अकाउंट येस किया था क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट मतलब रिसिबेबल डेटर और क्रेडिटर्स के अकाउंट नॉन ट्रेडिंग मतलब डेटर्स क्रेडिटर्स के अलावा अगर कोई लेजर बना रहे हो उसमें भी अगर आपको मेंटेन बिल वाइज बिल करना है तो आप येस कर सकते हो जैसा कि हमने इस चैप्टर्स में किया हुआ है तो यहाँ पे लोन लो अकाउंट लल्लू लाल टू थाउजेंड से क्या हो गया है डेबिट हो चुका है राइट और एंटर कर देंगे इसको और एंट्री हमारी इस तरीके से हो जाएगी एंट्री क्या बन गई लोन अकाउंट लल्लू लाल लोन अकाउंट लल्लू लाल टू हंड्रेड से डेबिट क्रेडिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन क्रेडिट क्यों कर रहा है इंटरेस्ट क्योंकि वो हमारे लिए इनकम है एंड लोन अकाउंट को क्यों डेबिट कर रहा है क्योंकि वो इंटरेस्ट अमाउंट लोन में ऐड हो जा रहा है तो टोटल कितना हो गया टू हंड्रेड रुपीज ओके okay. अब यहां पे बोल रहा है गिट, आ, अगर हमें रिपोर्ट्स देखना है इसके लेजर्स देखने हैं किसके लल्लू लाल के अगर लल्लू लाल के हमें क्या देखने हैं रिपोर्ट्स देखने हैं कि भाई अब लल्लू लाल से हमें कितना पैसा लेना है तो हम किसी भी पार्टी का आ, जो लेजर्स है या कोई भी लेजर देखना है तो हमें कहा जाना होता है गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स अकाउंट बुक्स एंड लेजर्स लेजर्स पे सेलेक्ट करके हम कौन सा लेजर सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप देखेंगे 4, था, पेंडिंग लोन का कितना टू थाउजेंड क्योंकि टू थाउजेंड उसने फर्स्ट मंथ की सैलरी से डिडक्ट करा लिया है फिर फोर हंड्रेड आप देख पा रहे हो सर ये पहले मंथ का इंटरेस्ट क्योंकि अप्रैल में हमने फोर थाउजेंड का लोन दिया था तो वन मंथ का इंटरेस्ट टेन परसेंट के रेट से कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा तो ये अप्रैल मंथ का इंटरेस्ट फर्स्ट मे को पोस्ट किए एंड फिर बैलेंस अमाउंट कितना बचा था सर रुपीज़ क्योंकि उसने सैलरी से करा दिया था टेन परसेंट टू हंड्रेड टोटल छब्बीस सौ रुपए टू थाउजेंड प्लस फोर हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड टोटल मिला के टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज हमें अभी भी लल्लू लाल से लेना है तो जब हम उसको सेकंड मंथ की एंट्री देंगे मैडिय तो छह हजार रुपये जो उसकी सैलरी देंगे मंथ की जो एंट्री करेंगे तो उसमें से सिक्स थाउजेंड में से छब्बीस सौ रुपए माइनस कर देंगे तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा केवल उसको सिक्स थाउजेंड बाई डिडक्टिंग द टू थाउजेंड सिक्स ये थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नहीं होगा ये टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड होगा ये टाइपिंग मिस्टेक है टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड करना होगा एंड पेड सैलरी सिक्स थाउजेंड बाई डिडक्टिंग थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एज अ लोन प्लस इंटरेस्ट राइट लोन प्लस इंटरेस्ट ऐसा नहीं है थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नहीं है कितना होगा ये टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बैलेंस अमाउंट टू थाउजेंड फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट फोर हंड्रेड सेकेंड मंथ का इंटरेस्ट टू हंड्रेड दैट इजटल टू थाउडें तो ये यहाँ पे जो लिखा है इसको टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड करना है और ये पेमेंट की एंट्री करनी है सिंगल एंट्री मोड से भी कर सकते हो डबल एंट्री मोड से भी आप कर सकते हैं यहाँ कैश अकाउंट आपको क्रेडिट करना है सैलरी अकाउंट लल्लू लाल कितना हो जाएगा सिक्स थाउजेंड रुपीज एंड लोन अकाउंट लल्लू लाल कितना हो जाएगा टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मतलब ये जो माइनस में हम लोग कर रहे हैं है, मैडियर फ्रेंड देखो पेमेंट वाउचर में क्या होता है कैश जो होता है वो क्या होता है क्रेडिट और ये इस इसको बोलते बोलते हैं हम लोग आपको ऑलरेडी बताया था हेडर क्या बोलते हैं हेडर और ये वाले को क्या बोलते हैं हम लोग दिस पोर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं लाइन सॉरी दिस इज लाइन दिस इज हेडर तो पेमेंट वाउचर में हेडर क्या हो जाता है क्रेडिट हो जाता है एंड लाइन जो हो जाता है वो डेबिट हो जाता है लेकिन यहां पे जो 2600 लाइन को माइनस में किया है मतलब ये क्या हो रहा है आपका ये भी क्रेडिट हो जा रहा है माइनस फिगर करना मतलब ये भी क्रेडिट हो जा रहा है तो एक्चुअल में एंट्री क्या हो जा रही है सैलरी अकाउंट लल्लू लाल सिक्स थाउजेंड टू इन टू लोन अकाउंट लल्लू लाल टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड लल्लू लाल टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड लोन से माइनस हो गया टू कैश अकाउंट बैलेंस अमाउंट कितना हो जाएगा टू थाउ सिक्स थाउजेंड से टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड कितना कैश पेमेंट करेंगे थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड ये कौन से बिल्स अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो आप ये तीनों बिल सेलेक्ट कर लीजिए अगेंस्ट रेफरेंस दिस वन दिस वन दिस वन राइट ये टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जो लोन अकाउंट लल्लू लाल पे है टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जो एडजस्ट कर रहे हैं वो फोर हंड्रेड टू हंड्रेड एंड टू थाउजेंड के अगेंस्ट में कर रहे हैं तीनों बिल को आप सेलेक्ट कर लीजिए वन बाई वन करके आपको सेलेक्ट करना है एंड ये येड से माइनस हो जाएगा एंड उसके बाद अगर आप लल्लू लाल का अगर आप लेजर्स देखना चाहेंगे तो लल्लू लाल का जो लेजर्स दिखेगा आप देखेंगे जीरो अमाउंट दिखेगा कितना दिख रहा है ना कोई लेना है ना कोई देना है एक बार फिर से मैं स्क्रीन में इसको समझाने की को कोशिश करूंगा फोर थाउजेंड पहले हमने लोन दिया था राइट फोर्थ हंड्रेड पहले मंथ का इंटरेस्ट टू हंड्रेड सेकेंड मंथ का इंटरेस्ट उसके बाद उसने 2000 पहले दे दिया पहले महीने की सैलरी से करा दिया बैलेंस 2600 सेकेंड मंथ की सैलरी से करा दिया तो टोटल तो अब बैलेंस कितना है नील है अब ना लेना है एक भी रुपया ना देना है देखना करेंट टोटल डेबिट भी 4600 क्रेडिट भी 4600 है एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना है जीरो है कुछ ना लेना ना देना ओके सो गाइस आपने इस तरीके से देखा इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन ऑन सिंपल इंटरेस्ट मेथड से जिसमें हमने क्या किया एक वाउचर्स टाइप भी हमने क्रिएट किया जिसका नाम था इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन और अंडर डेबिट नोट वाउचर्स के अंडर में उसको बनाया उसका एक क्लास भी बनाया सिंपल इंटरेस्ट और साथ ही साथ ये जो डे थर्टी था जिसमें हमने डेथ प्रीवियस चैप्टर्स में डे थर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन सीखा था उसमें भी हमने इम्प्लॉ को लोन दिया था उसमें बिल वाइज मेंटेन नहीं था लेकिन इस चैप्टर्स में हमने बिल वाइज मेंटेन भी सीखा तो बिल वाइज मेंटेन के लिए हमने क्या किया जो आ, लोन अकाउंट लल्लू लाल था उसको मेंटेन बिल वाइज बिल को यस कर दिया और उसके नीचे एक ऑप्शन था फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो तो उसको भी क्या कर दिया यस कर दिया क्योंकि हमें trading account, आ, maintain bill bill ट्रेडिंग अकाउंट में मेंटेन बिल वाइज बिल के साथ साथ नॉन ट्रेडिंग अकाउंट में भी मेंटेन बिल वाइज बिल करना है राइट और लोन अकाउंट में हमेशा इंटरेस्ट को एक्टिवेट किया जाता है तो हमने भी इसमें क्या कर दिया इंटरेस्ट को एक्टिवेट कर दिया तो और एक्टिवेट करने के बाद जो इंटरेस्ट का पैरामीटर ओपन हुआ है उसमें हमने इंटरेस्ट रेट वगैरह पुट कर दिया टेन परसेंट के रेट से और उसके बाद फिर हमने एंट्री करना चालू किया रेट और एंट्री किया और एंट्री करने के बाद जैसा मैंने आपको दिखाया कि इनका क्लोजिंग बैलेंस कितना है जीरो आया है हर एंट्री में आप देख पा रहे हो लो, लोन लल्लू लाल लोन लो, 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 अकाउंट के बाद हम लोग मेनटेन बिल वाइज बिल किस बिल्स के अगेंस्ट में इंटरेस्ट का हम लोग सेट ऑफ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर्स में देखा आई होप कि आपको ये चैप्टर्स क्लियर हुआ होगा अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच